सबसे बड़ा संघ क्या है मालूम है? मतलब प्रभुपाद का है ना, श्रील प्रभुपाद का, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को अगर आप हटा दें संसार से तो बच क्या जाता है बताइए? क्या क्या बचेगा? क्या पढ़ेंगे लोग? आप समझ सकते हैं क्या पढ़ेंगे लोग? देखिए संसार में कहाँ है फिर कोई आध्यात्मिक ग्रंथ? क्या है बताइए, फिर क्या पढ़ेंगे? प्रपात के ग्रंथ को पढ़ पढ़ के तब अद्भुत बदलाव आता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, गौरांग प्रभु जी बता रहे थे, परम पूज्य जनानंद महाराज अफ्रीका में प्रचार कर रहे थे और वहां पे एक सिटी है कोंगो, है ना, कोंगो सिटी है, और उसके बगल में ही कुछ एक कबीला है आदिम जनजाति की। तो वो आदिम जनजाति की जो कबीला है वह क्या करते थे, मनुष्य को खा जाते थे। अगर आप वहाँ चले गए तो मनुष्य को खा जाते बोलो। तो वहाँ के कबीले का जो राजा था, किंग, उसका बेटा भगवान की कृपा से भक्त बन गया। भक्त बन गया, अब कैसे बना वो आपको मैं बाद में बताऊँ, ठीक है? भगवान की कृपा से वो भक्त बन गया। अब भक्त बन गया तो परम पूज्य जनानंद महाराज वहाँ थे, तो बोले, वो एक दिन महाराज के पास आया और वो बोले कि महाराज मेरे पिताजी ने आपको भोजन के लिए बुलाया है। महाराज कहते हैं भोजन के लिए बुलाया है, भोजन बनने के लिए बुलाया है? भोजन के लिए बनाया है कि भोजन बनने के लिए बनाया है, मतलब बताओ। तो अरे डिवोटी थे, जब राजा का बेटा है डिवोटी तो थोड़ा साहस हो जाता है, और ऐसे भी जो भी हो महाराज बोले ठीक है जाऊँ, बोलेंगे बोले जाऊँगा, क्योंकि उनका बेटा था डिवोटी हो गया था, थोड़ा विश्वास था। गए तो जब वहां पर गए, कहता है अपनी लैंग्वेज, मतलब ये उनका बेटा जो है वो ट्रांसलेट कर रहा था, वो बता रहा था कि अकस्मात मेरा बेटा कोंगो शहर में कहीं जा रहा था और किसी ने इसे श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता दे दिया, इसे थोड़ी इंग्लिश आती है और इसने पढ़ लिया और यह भगवत यह भक्त बन गया और 16 माला जप कर रहा है, भगवद गीता पढ़। अद्भुत है ना, इसको अंग्रेजी आती है और ये 16 माला जप करने लगा, भगवत गीता पढ़ भक्ति करने लगा, और कोई संग प्राप्त नहीं हुआ, केवल भगवत गीता पढ़ा और वह भक्त बन गया। अब वो कह रहे हैं, वो राजा उनको देख करके उनके चेंजेस को कह रहे हैं कि आपके पास, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, आपके पास कोई उपाय है जिससे हम भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ सकें? क्या है आखिर इस बुक्स में? मैं मतलब सोच भी नहीं सकते आप, अद्भुत है ना, अद्भुत है, बहुत अद्भुत। प्रभुपाद ने ये जो अपना मतलब एसोसिएशन हमें देखे गया अपने अपने बुक्स के रूप में जो उन्होंने दिया है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। सोच में सोचिए, जो मतलब मानव भक्षी हैं उनके पुत्र केवल और केवल भगवद गीता पढ़ करके भक्त बन गए, और उनके पिता कह रहे हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था है, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, कोई ऐसी व्यवस्था करिए ना जिससे हम भी यह बुक्स किताब पढ़ते।